नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। गुजरात के जूनागढ़ में एक धार्मिक स्थान को हटाने के नोटिस पर बवाल हो गया। शुक्रवार देर रात 300 से ज़्यादा लोग धर्मस्थल के पास इकट्ठा हुए और नोटिस देने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद इन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। DSP के अलावा 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल जूनागढ़ में मजेवाड़ी गेट के पास मौजूद दरगाह को जिला प्रशासन की ओर से गिराने का नोटिस मिला था। इसके बाद जमा हुई भीड़ से सड़क से गुजर रहे बस के शीशे तोड़ दिए, जिसमें बस में बैठे यात्रियों को चोट आई। इसके बाद पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ और मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया तो भीड़ ने सोडा की बोतलें फेंककर आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दरगाह को हटाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी। नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला किया। नगर निगम की टीम शुक्रवार शाम को गिराने का नोटिस लगाने पहुंची थी, जिसके विरोध में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।